To this session of data file handling in Python. Hi, I am Vinod Kumar Verma, PGT Computer Science, Kendriya Vidyalaya OEF, Kanpur. So today I am going to cover these topics: the introduction of data file handling, data files, opening and closing files, reading and writing files, standard input, output and error stream. So let us begin. So introduction. So what is data file handling? So to understand data file handling, just recall the programs you created in class 11th, जहाँ पर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते थे. तो उसमें सपोज करिए कि आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने 10 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को एंटर किया और फिर उस पर कोई प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट दिखाया. बट जो डेटा एंटर हुआ वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. तो अगर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मुझे वो 10 रिकॉर्ड दोबारा चाहिए तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट दैट दोज 10 रिकॉर्ड्स. सो इसको बचाने के लिए, उस डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि जो डेटा हम एंटर करें वो परमानेंटली सेव हो जाए और फ्यूचर में दोबारा हम उस डेटा को देखना चाहें तो हम उसको दोबारा देख सकें और उसको पढ़ सकें. तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है. सो डेटा हैंडलिंग इन पाइथन में, आप पाइथन के थ्रू आप देखेंगे कि कैसे पाइथन जो है वो पाइथन में जो डेटा एंटर होगा उसको आपके किसी फाइल में परमानेंटली स्टोर करा सकेंगे और फिर वहाँ से उसको पढ़ के देखना चाहेंगे, उसको पढ़ के भी देख सकते हैं कि हम उसको कैसे रीड करेंगे. ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लीजिए कि आप एक गेम डिज़ाइन कर रहे हैं और जिसमें हाई स्कोर आपको सेव करना है. तो अगर हम हाई स्कोर को सेव नहीं करेंगे कहीं परमानेंटली तो जब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो जो भी हाई स्कोर क्रिएट होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद ख़त्म हो जाएगा. दोबारा प्रोग्राम चलेगा तो हाई स्कोर फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो हम इस हाई स्कोर को क्या करेंगे, एक फ़ाइल में सेव करा देंगे और जब हम दोबारा उस गेम को चलाएंगे तो फाइल से उस हाई स्कोर को पढ़ेंगे और पढ़ करके अपने गेम में डिस्प्ले करा देंगे सो दैट कि जब भी नया हाई स्कोर बनेगा वो हमेशा के लिए दूसरों के लिए एक चैलेंज के रूप में हमेशा दिखता रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो पाइथन में डेटा फाइल्स जो हम बनाएंगे वो दो तरह के बनाएंगे, एक होगी टेक्स्ट फाइल और एक होगी बाइनरी फाइल. अब इस पे आते हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या है और बाइनरी फाइल क्या है. टेक्स्ट फाइल एक सिंपल फाइल है जिसमें हम जो भी चीज़ स्टोर करेंगे वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, चाहे वो नाम हो चाहे वो नंबर हो, सभी को एक कैरेक्टर के रूप में सेव करेगा. यानी अगर हम एक नाम स्टोर करते हैं, कोई सपोज करिए कंप्यूटर एक वर्ड हम स्टोर कर रहे हैं तो इसका सी ओ सब हर लेटर एक बाइट कंज्यूम करेगा. जैसे कंप्यूटर में 8 लेटर्स है तो 8 बाइट लेगा. इवन हम नंबर भी स्टोर करेंगे तो हर एक डिजिट और अगर पॉइंट है तो उस सिंबल को भी एक बाइट में काउंट करेगा. तो जैसे यहाँ पर नंबर है 112.37.9876 तो इसको भी क्या करेगा, हर एक लेटर हर एक नंबर को और हर एक जो सिंबल पॉइंट लगा उसको भी टोटल 10 बाइट्स यहाँ पर भी कंज्यूम कर रहा है. टेक्स्ट फाइल की एक और खासियत होती है कि इसके हर एक लाइन के लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर लग जाता है जिसको हम बोलते हैं EUL, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमारी टेक्स्ट फाइल बंद हो गई, मतलब इस टेक्स्ट फाइल की ये लाइन क्या हो गई, ख़त्म हो गई और नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हो गई है. इस EUL को रिप्रेजेंट कराते हैं पाइथन में /n से या /r से या कभी कभी दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बनता है. बाइनरी फाइल, जैसे कि नाम से पता चल रहा बाइनरी मतलब ये वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है. तो बाइनरी फॉर्म में क्या होगा, जब हम डेटा फाइल बनाएंगे तो इसमें डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, यानी जिस फॉर्म को कंप्यूटर समझता है. तो इसमें किसी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता. जैसे टेक्स्ट फाइल में हम नंबर भी स्टोर करेंगे तो उसको कैरेक्टर में ट्रांसलेट करके सेव करेगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है. इसमें कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है, तो जो कि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है इसलिए इसके बाइनरी फाइल का रीड और राइट जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है. और बाइनरी फाइल चूँकि बाइनरी लैंग्वेज में डेटा जाता है तो जैसे टेक्स्ट फाइल जो हम बनाएंगे उसको हम अपने माई कंप्यूटर में या किसी फाइल को खोल करके उसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है, डायरेक्टली उसके कंटेंट को देखा जा सकता है. लेकिन बाइनरी फाइल के डेटा को डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए अभी पाइथन प्रोग्राम के थ्रू रीड का प्रोग्राम बनाएंगे उसके थ्रू इसको पढ़ा जा सकता है. तो चूँकि इसमें डेटा इनक्रिप्टेड होता है तो बाइनरी फाइल ज़्यादा सिक्योर होती है फॉर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखने के लिए. बाइनरी फाइल ज़्यादा सेफ रहती है. अब फाइल हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं वो ध्यान से देखते हैं. जैसे हम नॉर्मली अगर हम पाइथन छोड़ दें तो हम नॉर्मली कोई भी वर्ड की फाइल बनाते हैं या एक्सेल की फाइल बनाते हैं
तो किसी फाइल में कुछ पढ़ना होगा तो ऑब्वियसली पहले उस फाइल को खोलेंगे, तभी उस फाइल को हम पढ़ सकते हैं। लिखना होगा तो उस फाइल को खोलेंगे और उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पहला स्टेप हमेशा होगा कि आप फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो भी उसमें रीड करना राइट करना वो करेंगे और उसके बाद उस फाइल को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करना ज़रूरी इसलिए होता है कि क्लोज़ करने से सारे ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाते हैं और फाइल ने आपके जितने भी मेमोरी रिसोर्सेज यूज़ किए होंगे वो रिसोर्सेज रिलीज़ हो जाते हैं ताकि दूसरे प्रोग्राम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। पाइथन में फ़ाइल खोलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है हम केवल फाइल नाम ओपन फंक्शन लिखेंगे, ओपन फंक्शन लिखने के बाद हम उसमें फ़ाइल का नाम देंगे, ठीक है। दूसरा होगा ओपन फंक्शन लिखेंगे और फाइल का नाम देने के बाद हम उसमें एक मोड ऑप्शन होता है, उस मोड ऑप्शन को भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोड ऑप्शन है। तो मोड ऑप्शन का काम क्या होता है कि मोड ऑप्शन ये बताता है कि जैसे हमने केवल फाइल का नाम दिया तो फाइल का नाम देने से क्या होगा कि वो फाइल खुलेगी और वो रीड के लिए खुलेगी और कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बट मोड हमें अलाउ करता है कि हम उस फाइल के साथ रीड करना चाहते हैं कि राइट करना चाहते हैं कि अपेंड करना चाहते हैं, वो भी आगे अपेंड क्या होता भी आगे देखेंगे। तो राइट करना चाहते हैं तो ये सब हम बता सकते हैं मोड के थ्रू। अगर मोड नहीं बताएंगे तो हमेशा क्या होगा वो रीड मोड पे खुलेगा। यहाँ पर आपने कमेंट में लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, रीड होता है। अब यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पाइथन इसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा। यानी आपने जो फाइल खोली ओपन और फाइल का नाम आपकी जो डिस्क में फाइल सेव होगी वो नाम होगा। तो पाइथन का प्रोग्राम डायरेक्टली उस डिस्क फाइल में नहीं ऑपरेशन कर सकता है, तो उसका एक इंटरफेस हमें मिलता है फाइल ऑब्जेक्ट में। यानी हमारा पाइथन का प्रोग्राम इस फाइल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा और बिहाइंड द सीन सारा काम किस में होगा, इस फाइल में हमारा सारा काम रहेगा। यानी हमारा पाइथन का प्रोग्राम फाइल ऑब्जेक्ट पे काम करेगा और इसके पीछे बैकडोर में जो भी सेव होगा या रीड होगा वो उस पर्टिकुलर फाइल से होगा जो हमने वहाँ पर नाम दे के खोला हुआ है। तो फाइल ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे तो फाइल ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए माई फाइल इक्वल्स टू ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पर स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम है जो हमारे डिस्क में सेव है और इसको हम ओपन कर रहे हैं और ओपन करके उसका जो मेमोरी है वो रेफरेंस है वो किस में ले रहे हैं, माई फाइल में। तो माई फाइल हमारा क्या हो गया, फाइल ऑब्जेक्ट। तो अब पाइथन का प्रोग्राम सारे काम किससे करेगा, माई फाइल से करेगा और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस पर होगा, स्टोरी डॉट टी एक्स टी पर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि हमने सिर्फ नाम दिया है, इस फाइल का लोकेशन नहीं बताया कि ये फाइल कहाँ पर है, मतलब सी ड्राइव में है कि डी ड्राइव में है कि किस फोल्डर में है, कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस पाइथन प्रोग्राम से हम इसको पढ़ेंगे वो पाइथन का प्रोग्राम और ये स्टोरी डॉट टेक्स्ट दोनों सेम फोल्डर में है। तो जो दोनों सेम फोल्डर में होगा तो आपका ये इस तरीके से फाइल ओपन होकर पढ़ सकते हैं। और ये बेस्ट तरीका यही है कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर हो। आप दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं, अभी आगे चल के देखते हैं हम लोग। इस वाले में देखेंगे तो इसमें बता रहा है ओपन कर रहे हैं फाइल आर्टिकल डॉट टी एक्स टी और आर बता रहे हैं। तो आर का मतलब ऑब्वियसली वो रीड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। अभी आगे और मोड हम देखेंगे। अगला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें हो रहा है कि इसमें हम लोकेशन बता रहे हैं पोएम डॉट टी एक्स टी की, वो डी ड्राइव के माई डेटा फोल्डर के अंदर है। तो यानी अब आपके डी ड्राइव के माई डेटा फोल्डर में पोएम डॉट टी एक्स टी होनी चाहिए तभी उस फाइल को पढ़ा जा सकता। मतलब आप लोकेशन भी बता सकते हो, अगर कहीं और रखा हुआ फाइल का नहीं सेम लोकेशन पर, तो केवल नाम देने से काम चल जाएगा। यहाँ पर डबल बैक स्लैश इसलिए लगाया है कि सिंगल बैक स्लैश से क्या होता है कि स्केप सीक्वेंसेस पाइथन में होते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए फोल्डर का नाम नवीन है तो जब आप लिखेंगे डी कोलन स्लैश नवीन, तो जब स्लैश नवीन लिखेंगे तो बैक स्लैश के साथ क्या आ जाएगा, एन। तो जब बैक स्लैश के साथ एन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर बन जाएगा। तो एरर आ जाएगी आपकी, इसमें फाइल ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। इसलिए डबल बैक स्लैश लगाते हैं सो दैट की स्पेशल मीनिंग जो है वो ख़त्म हो जाए और डबल बैक स्लैश जो होगा वो सिंगल बैक स्लैश यूज़ करेगा एज अ सिंपल कैरेक्टर, उसमें कोई स्केप सीक्वेंस क्रिएट नहीं होगा। डबल बैक स्लैश का एक अल्टरनेट होता है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे आर। अगर आप सिंगल बैक स्लैश लगाते हैं और स्टार्टिंग में आर लगा देंगे तो आर से क्या होगा कि रॉ स्ट्रिंग, मतलब अंदर जो लिखा होगा वो प्योर स्ट्रिंग मानी जाएगी, उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर सिंगल बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम मोड देख लेते हैं कौन कौन से मोड हैं। तो मोड का अगर देखें तो आर है हमारे पास, है आर फॉर रीड। जब भी रीड करेंगे तो फाइल एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली फाइल होना चाहिए। अगर आप रीड करते हैं तो फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए, अदरवाइज पाइथन क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा। राइट करना है तो डब्ल्यू मोड से खोलेंगे,
डब्ल्यू मोड क्या करता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल बना करके उसमें डेटा को राइट कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसका पुराना डेटा ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा और नया डेटा उसमें आ जाएगा, मतलब पुराने डेटा को ओवर राइट करके नया डेटा को उसमें राइट करता, तो मतलब पुराना कुछ भी बचेगा नहीं और नया डेटा उसमें राइट हो जाएगा। बट अगर ऐसा हर समय तो नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ करना हो, जैसे हाई स्कोर है तो ठीक है कि पुराना स्कोर पूरा हटा दिया और नया स्टोर कर दिया, लेकिन अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भरा है 5 एम्प्लॉय का, तो ऐसा तो नहीं चाहते कि 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हट जाए और उसके बाद नेक्स्ट 5 आ जाए। तो हम तो चाहते हैं ना कि पुराने 5 रहे उसके आगे और नेक्स्ट 5 जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपेंड मोड यूज़ करेंगे। अपेंड मोड से भी फाइल राइट होगी, और इसमें भी फाइल अगर नहीं बनी है तो बना देगा, और बनी है तो पुराने डेटा के आगे क्या करेगा, नए डेटा को जोड़ेगा। तो इससे आपका ओवरराइटिंग नहीं होती है और आपका फाइल पुराने डेटा के आगे नया डेटा जुड़ता है। ठीक है, R प्लस से जब भी खोलेंगे तो इसमें भी वही है कि चूँकि पहला इसमें R का मतलब रीड है, तो फाइल एग्जिट होना ज़रूरी है, और इसमें आप दोनों ऑपरेशन कर पाएंगे, रीड और राइट। मतलब आप जिस फाइल को पढ़ने के लिए खोलेंगे वो फाइल होनी चाहिए, और तभी उस फाइल में डेटा क्या कर पाएंगे, आप राइट कर पाएंगे। तो दोनों ऑपरेशन करना होगा, तो R प्लस। W प्लस में आपकी फ़ाइल नहीं बनी है तो फाइल बना दी जाएगी, और बनने के बाद आप उसके डेटा को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें भी ओवर राइटिंग हो जाएगी, पुराना डेटा हट जाएगा और नया डेटा आ जाएगा। A सेम वही चीज़ है, A प्लस का मतलब है कि इसमें भी रीड और राइट दोनों होगा, इसमें पुराने डेटा के आगे जुड़ेगा, और जोड़ने के बाद आप उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अब इसमें बीच में एक देखिए बाइनरी मोड लिखा हुआ है, बाइनरी मोड में कुछ नहीं है, केवल आपको जो भी R लिखेंगे उसके आगे B लगाते जाना है। B का मतलब है रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी, वो बाइनरी मोड के लिए है। अगर R प्लस यूज़ करना है तो आपको R प्लस B यूज़ करेंगे, मतलब रीड प्लस बाइनरी, मतलब आपको रीड राइट करना है बाइनरी मोड पे, या RB प्लस, दोनों ऑप्शन इसमें चलेगा। जब आपकी फाइल का काम हो जाए तो आपको उस फाइल को क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। ठीक है, जब क्लोज़ करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आपके फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है डॉट क्लोज, डॉट क्लोज़ करने से वो फाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का है हमारी फर्स्ट सेशन में, अभी हम इसके आगे का हम लोग अभी देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे।